पीछे चलती है ये, है ना? दो दो लोगो आ रहे हैं। तो नहीं रहेगा ना, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टू सी यू लाइव फिजिकली, नॉट ओनली ऑन हियर यूट्यूब। अजेंडा विदाउट डूइंग मच अडू रिविजन फॉर नवंबर 2023, वी हैव गॉट 14 चैप्टर्स इन अवर हैंड्स। एजेंडा शैल बी कवर मेन टॉपिक्स इनिशियली एंड विद इन 2.5 आवर्स। आई रियली डोंट थिंक वी कैन जस्टिफाई 14 चैप्टर्स। सो वट वील डू इज वील ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल टूडे एंड देन वील डू वन मोर सेशन। वेरी ऑनेस्ट, तब अगर ऐसे ही खुश करना है और मजे ही लेना है तो 14 चैप्टर का 20 चैप्टर भी हो सकते होगी। नहीं, मैं कल जब बैठ के रिवाइज कर रहा था खुद आपको रिवाइज कराने के लिए, तो मैंने देखा कि मैं कितना पढ़ा सकता हूँ। तो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से 2 या 3 यूनिट तक हो जाएंगे, एक आध यूनिट बचेगा। तो एक आध यूनिट जो बचेगा ना, उसके साथ जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, डंपिंग वाले, एक्सचेंज रेट वाले, मनी मल्टीप्लायर, रिजर्व मनी वाले, वो साथ में ले लेंगे। तो 2 घंटे में 1 घंटा उस यूनिट को दे देंगे कोई से भी, और फिर बाकी में एक एक क्वेश्चन सबका कराना चाहूंगा मैं आप, ताकि आप उसकी एप्लीकेशन दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। नेशनल इनकम वगैरह तो बहुत मोर और लेस कर चुके हैं तुम, और उस पर भी एक बार ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो एजेंडा इज क्लियर। हेलो, रेडी टू शूट? यस। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पीछे वाला कवर कर देता हूँ मैं आप। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेसिकली हमने थ्योरीज पढ़ी थी, कितनी, 5। ट्रेड मर्केंटाइल व्यू था, ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, वंस लॉस इज इक्वल्स टू अदर्स गेन, एंड इट वाज बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ यूरोप्स ग्रेट पावर, कि जो जिसके पास जितना सोना होगा, जितना गोल्ड होगा, वो विनर है, और हम एक्सपोर्ट खूब करेंगे और इम्पोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। वी विल एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स एंड वी विल इम्पोर्ट रॉ मटेरियल और गोल्ड ओनली, अदरवाइज नथिंग एल्स। ये किसने दी हुई थी थ्योरी? यूरोपियन व्यू था ये। फिर एडम स्मिथ था, ट्रेड इज अ जीरो सम गेम बोल के, इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। अब एजेंडा कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मैं उसकी मार्किंग अभी बोलूंगा, फिर अगली 2 स्लाइड्स पर एक एक थ्योरी का डिटेलिंग है। ये मत सोचना कि एक लाइन में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। गिव मी 5 to 7 minutes एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट वी विल कवर प्रॉपरली। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, आइए हम सब चीज फोड़ देंगे, बहुत मेहनत से नहीं होएगा भाई। वो आप देख भी चुके हो, पूरा मार्केट ओपन है, सब जने देख भी चुके, उससे होता क्या है। पहले एक बेसिक समरी उठाते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज, जब एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात होती तो पहला तो उसने बोला ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। इसमें यह बात हुई थी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा एक के बजाय दूसरे को। I am good in one, you are good in one. Let me make one which I am good at and you make what you are good at and then we will trade. इसमें सिर्फ लेबर को ध्यान में दिख रहे थे, बाकी किसी भी खर्चे को वो ध्यान नहीं देते थे। It was given by economics के पापा Adam Smith. Then Adam Smith के बाद David Ricardo आए, बोले it's not necessary that you are good in one and I am good in one. It might be the case that you are good at both and I am not good at both. So then we'll try to calculate the opportunity costs. Given by David Ricardo, based on comparative advantage involved in production of goods, it also assumes that major cost involved is of labor. ये सब आपका हाथ का लिखा हुआ होगा आपकी economics के notes में। फिर आई थी Heckscher-Ohlin theorem. That Heckscher-Ohlin theorem में क्या हुआ था? It is also known as factor endowment theory, modern theory of trade, Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem. एक ही चीज के अनेक नाम थे। वो बोलते थे कि सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है, and what you have in abundance you will export that, what I have in abundance I will export that, and then accordingly the trade will happen. It was divided in 2 parts, trade theorem and factor price equalized theorem. Trade theorem and factor price equalization theorem ye aage le raha hu. Aur fir ek aayi thi new trade theorem, I am exporting also, I am importing also,
आई एम एक्सपोर्टिंग बिकॉज आई हैव गॉट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड आई एम इम्पोर्टिंग बिकॉज समबडी एल्स हैज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ही इज एबल टू सेंड इट टू माई कंट्री इन अ चीपर वे. सो वी बोथ आर प्रोग्रेसिंग. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड की जब थ्योरीज की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड विच इज कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेशंस विद डिफरेंट लॉज, डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. हेलो, एंड इट रिक्वायर्स मोर डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी. एडवांटेजेस क्या है, जल्दी से स्नैप कर दो उस एग्जाम एडवांटेजेस को मेरे सामने फटाफट. Okay, advantages. Hello. Anyone you want to ask? There are disadvantages. All slides will be given to you. This will give that feeling कि हाँ, मैं बाद में भी उसको revise कर सकता हूँ. इससे मेरी good morning हो जाती है आजकल. तो ये चाय पीती रहती. आप हॉस्टल में ही हो बेटा? All going well? पतली हो गई तुम? तो लग रहा है, because पहले मैंने शुरुआती batches में, शुरू के दिनों में यहीं बैठा करती थी शुरुआती lectures. याद रहता है मेरे को. रोमान, आई एम द लास्ट एडवांटेज ब्रॉडनिंग ऑफ प्रोडक्शन बेस एंड प्रोडक्ट मार्केट. मेरा मार्केट फैल जाएगा रोमान. आई विल बी एबल टू सेल इट टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. आई कैन ऑफर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो टू डिफरेंट कंट्रीज. ओके, नाउ लेट्स गो टू दीज थ्योरीज वन बाय वन. ये रही पहली थ्योरी. The theory based on views of European superpowers, they believe that more gold and silver a country accumulates, the more powerful it becomes. They maximize the exports to gain more and more gold and silver and minimize the imports by imposing high tariffs. According to this theory, trade is a zero-sum game. One country's gain is always equal to other country's loss. I think this diagram will help you a lot to understand. Barabar? Sir, ye question aaja, explain the mercantile theory. Simplest hai. सिंपलेस नहीं है, क्यों नहीं आएगा? अरे एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट हमसे अकाउंट्स में जल्दी हो जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना क्वेश्चन नहीं आएगा. आता है उसमें, भूल गया. सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से प्यार नहीं करने का और नफरत नहीं करने, सबसे फ्लर्ट करने का. अब ये नया डाउट है, इजी है तो मेरे को आता है, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा. ये किसी बात हुई सर? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरम. चलो मस्ती कम करेंगे, पढ़ते चलेंगे. गिवन बाय एडम स्मिथ. इसको अपन ने प्रैक्टिकली कंपेयर करा था वीट क्लॉथ से. अकॉर्डिंग टू इट अ ट्रेड विल टेक प्लेस ओनली व्हेन ईच ऑफ द टू कंट्रीज कैन प्रोड्यूस एटलीस्ट वन कमोडिटी एट एब्सोल्युटली लो प्रोडक्शन कॉस्ट देन दी अदर. द प्रोडक्शन कॉस्ट विल कंप्राइज ऑफ लेबर कॉस्ट ओनली. पीटर क्लॉथ का कंट्री ए और बी का एग्जांपल देखो, मैं ज़ूम इन करके दिखाता हूँ. कंट्री ए प्रोड्यूसेस 6 बैग्स ऑफ वीट एंड 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ विद ट्रेड. इट कैन ओनली विद ट्रेड इट विल ओनली प्रोड्यूस 12 बैग्स ऑफ वीट एंड देयर इट विल प्रोड्यूस 1 बैग एंड 5 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ. तो ये 10. अब है ना, ऐसे कोई छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं. अगर आपने रिविजन टेस्ट पेपर्स देखा होगा, उसने बोला होगा कैलकुलेट करके दो. तो कैलकुलेट करने में आएगा कि नहीं आएगा? ये कैलकुलेशन हमने अपनी किताब में और नोट्स में भी बहुत अच्छे से करके रखा है, टेबल बना के. ठीक है ना? ठीक है. सो वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द गेन व्हेन यू डू ट्रेड वर्सेस हाउ मच इज द टाइम विच यू आर कंज्यूमिंग व्हेन यू डू नॉट ट्रेड. विल फाइंड अ डिफरेंस. सो दैट डिफरेंस इज द सेविंग इन योर लेबर कॉस्ट व्हेन यू आर ट्रेडिंग. हेलो बोलो साहब, क्लियर? ओके, नीचे का लास्ट पॉइंट जरूर ध्यान से पढ़ो, ये घर पे कंफ्यूज ना करे तुमको.
बच्चे कई बार पूछते, क्लास में भी बात करी थी कि सर इक्वल गेन होना जरूरी है क्या? गेन होगा दोनों को, ये पक्की बात है। इक्वल गेन होने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो द गेन्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, येट द रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड बोथ द कमोडिटीज आर अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ बोथ द कंट्रीज विद म्यूचुअल बेनिफिट्स। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरम, तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरम इज इट कंपेयर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज अक्रॉस कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू इट अ नेशन शुड प्रोड्यूस दैट थिंग विच हैज गॉट एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज लोअर देन द अदर वन। बट क्या है? अ नेशन शुड प्रोड्यूस दैट थिंग इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज लोअर, ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इन विच इट हैज कंपेरेटिव एडवांटेज और इन विच इट हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बराबर, तो ए और बी में से ए क्या बनाना चाहिए और बी को क्या, बी ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम किस में है? एक घंटा काम अगर कुछ और करूंगा तो 6 बैग वीट छूट जाएगा, और एक घंटा काम कुछ और करूंगा तो 4 यार्ड क्लॉथ छूट जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम किस में? क्लॉथ्स में है। वेरी गुड, तो ए को क्या करना चाहिए, ए को क्या बनाना चाहिए? वीट। और बी वैसे दोनों में पीछे है, लेकिन बी से क्लॉथ बनवाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, हाँ या ना? यही चीज नीचे है, देखो माइंड वालों को समझ में आ रहे लाइक इट। ये भी उन्होंने आरटीपी में पूछे हैं, आप निकाल के दे सकते हो, बस अब वहां याद रखना कौन सी थ्योरम पूछ रहा है वो, एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट किसने दी? ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एडम स्मिथ, ठीक है? ये याद रखना, ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर, अब ये ट्रिक्स मैं अब बताऊंगा ना, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज में डेविड रिकार्डो, ठीक है? देखो लिखा है, द ट्रेड वुड कंटिन्यू टू बी बेनिफिशियल, अगले स्लाइड पे विल बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज ए गेट्स मोर देन 4C फॉर 6W एंड बी हैज टू गिव अप एनीथिंग लेस देन 2C फॉर 1W। द क्लोजर द रेशियो ऑफ ट्रेड इज टू 4C = 6W स्मॉलर द गेन ऑफ ए एंड क्लोजर द रेशियो ऑफ ट्रेड टू 1W स्मॉलर द गेन ऑफ बी। इन अबव एग्जाम्पल बीज गेन इज मोर देन एज द रेशियो इज 1W = 1C। लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की? सबसे बड़ी बुराई है सिर्फ एक ही चीज कंसिडर करती, लेबर कॉस्ट, ठीक है? विच इज अनरियलिस्टिक बिकॉज लेबर विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। फोकस ओनली ऑन सप्लाई साइड बट नॉट ऑन डिमांड साइड, कि ये अवेलेबल है, मार्केट को चाहिए नहीं चाहिए कोई देखता नहीं है। इन डज नॉट एक्सप्लेन वाई देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब अगर उधर की लेबर एक चीज में प्रोडक्टिव है, तुम्हारी दूसरे में है, मतलब उसमें कुछ दम होगा ना, तभी तो। कुछ फैक्टर्स कभी भी कंसिडर होते नहीं है इसमें, क्यों नहीं होते? बहुत पुराने जमाने की थ्योरीज है, इतना इंफॉर्मेशन जितना अब है पहले अवेलेबल नहीं था। हेक्सर ओलिन थ्योरम क्या बोलते थे? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे काम करो। देखो किसी को एंडाउमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, एंडाउमेंट मतलब कंटिन्यूस बेनिफिट्स। गुड, कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। एज पर दिस थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। एक में अच्छे, मैं एक में अच्छा, मैं अपना वाली चीज बहुत अच्छी बनाऊंगा, तुम अपनी चीज अच्छी बनाना। कैपिटल अबंडेंट कंपनी विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड लेबर इंटेंसिव कंट्री विल प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। दिस थ्योरी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक ट्रेड थ्योरम है, इक्वलाइजेशन थ्योरम है, इस पे ट्रेड थ्योरम है, अगले पे इक्वलाइजेशन दिया। एज पर दिस थ्योरीज कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोस कमोडिटीज विच हैज अबंडेंट रिसोर्सेज एंड विल इंपोर्ट दोस कमोडिटीज विच इज स्केर्स
रिसोर्सेस, बराबर चेंज हो गया। इसके बाद देखो ऊपर नीचे देखना, ये चेंज हुआ है और अगले पेज पे सेम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन आया। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एक कंट्री जिसमें अच्छी है दूसरी एक में अच्छी है, जब ओपन होगा ट्रेड ये कंट्री अपने उस बेटर प्रोडक्शन को और बढ़ाएगी, तो बाकी सारे रिसोर्सेस को पुल करके जिस रिसोर्स में वो बेटर है वो बढ़ाती जाएगी। तो बाकी सारी चीजें, अब इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में आ रही है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, सारे रिसोर्सेस खींच के यहाँ लाएंगे ये लोग, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा या बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि दूसरे एरियाज में काम करते वो लोग जब यहाँ आएंगे तो उतने एफिशिएंट नहीं रहेंगे। लेकिन आपको डिमांड वर्ल्ड वाइड आ रही तो बनाना पड़ेगा, जब बनाने के लिए आप आगे बढ़ोगे तो धीरे 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 आपका प्रोडक्ट सस्ता नहीं महंगा होने लगेगा, तो धीरे से वो जो आपका जो बेनिफिट है, पहले उसको बेनिफिट क्यों था, क्योंकि उसके यहाँ से आपकी चीज सस्ती पड़ रही थी, बट जब ये महंगी होगी धीरे धीरे ये एडवांटेज आकर इक्वलाइज हो जाएगा। अजी किए है, अंग्रेजी पढ़ लो। एज पर दिस थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू इक्वलाइज द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिटर्न्स ऑफ द होमोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्राइसेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्रीज दैट एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड विल बी इक्वल, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर ट्रेड ऑफ गुड्स इक्वल्स टू ट्रेड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। It will be possible because as soon as the country will engage in the production of goods for which it has abundant resources, the demand for that resource will increase, another resource will increase in that country, and after a period of time, the price of all the factor of production will be equalized across the country. जैसे इंडिया ने, मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, डिविजन ही है ना, फिर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। एप्पल के फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, अब इक्वलाइजेशन आएगा, अब एप्पल मजा लेगा, चाइना वाले को बोलेगा इंडिया वाला सस्ते में बना रहा है, इंडिया वाले को बोलेगा देख चाइना वाला बना रहा है, तो दोनों मिलकर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, पर अल्टीमेटली होगा क्या, इक्वलाइज हो जाएगी वो चीज ग्लोबल लेवल पे। ये कंपैरिजन है, कंपैरेटिव एडवांटेज, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये पढ़ के देख लो, कंपैरेटिव एडवांटेज और मॉडर्न वाली दोनों का कंपैरिजन है। यहाँ के यूनिट वन कंप्लीट होने को है, इट टेक, वी हैव टेकन अराउंड लाइक 15 ऑड मिनट्स टू रैप अवर फर्स्ट यूनिट। क्या आगे बढ़ू है, वाह, I am your old student of November 21 batch. Glad to see you again. I am sitting in IIM Rohtak hostel room. I hope you are studying IIM. And seeing you missing old time in Nahata. IIM में पहुंच गया मेरे बच्चे, वाह ठीक ठाक पढ़ाया था मतलब मैंने, है ना, कलर ऊंची कर लू इतना लू। थर्ड डिफरेंस हाँ क्या है, बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो पहले क्या बोलता था, सबसे पहला इट इज इंटर रीजनल ओनली, एक देश से दूसरे देश के कारण ही इंटरनेशनल व्यापार होता है, नो इट इज बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट। कंपैरेटिव एडवांटेज में लेबर कॉस्ट को गिनते हो ना, सिर्फ एक रीजन से दूसरे रीजन के कारण थोड़ी ना करते हो, कॉस्ट सस्ती होती इसीलिए तो ऐसा होता है, अभी भी नहीं आया। पहला वाला मर्केंटाइल व्यू क्या कहता है, इट्स अ केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड, नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड लेबर और नथिंग, बट कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी क्या बोलती है, योर लेबर कॉस्ट इज लेसर माइन इज मोर सो यू प्रोड्यूस एंड आई डोंट प्रोड्यूस, ये बोल रहा है क्या।
न्यू ट्रेड थ्योरी, सॉरी द लास्ट वन, द न्यू ट्रेड थ्योरी बोले तो डेवलप्ड इन 70s एक्सप्लेन्स व्हाई कंट्रीज एंगेज इन ट्रेड ऑफ दोज गुड्स दे देमसेल्व्स प्रोड्यूस. बेसिकली इट अप्लाइज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड एंड ऑटोमोटिव. तो एज पर दिस थ्योरी कंपनीज इंपोर्ट गुड्स टू कम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिकॉज द फॉलोइंग रीजंस. हमको दो फायदे मिलते हैं, एक तो मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा होता है बैंड वैगन इफेक्ट और नेटवर्क इफेक्ट. वॉट इज दैट बैंड वैगन इफेक्ट एंड नेटवर्क इफेक्ट? पीपल विल ट्राई टू हैव मल्टीपल ऑप्शन बट दे विल अल्टीमेटली बाय दैट थिंग ओनली विच इज यूज बाय मासेस. गुड और सर्विस इंक्रीजेज एट नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज, पीपल आर ऑफन अफेक्टेड बाय द चॉइसेस ऑफ अदर्स एंड प्रेफर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय मोर नंबर ऑफ. यूनिट टू, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी. मैंने मैंने इंटरनेशनल ट्रेड क्यों उठाया, क्योंकि इसमें 5 यूनिट है, तो डिटेल्स बहुत ज्यादा है. थक जाते हो आप लोग घर पे कि बोले यार क्या पढ़ू क्या छोड़ू. फोर्थ और फिफ्थ तो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मेन चिंता फर्स्ट सेकंड थर्ड में है. ठीक है, तो नाउ सेकंड चैप्टर वाज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड में इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होंगे आपके मेरे, बराबर. तो इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो टैरिफ्स. How do you define tariff? Tariff is a charge. देखो, a financial charge in form of taxes or duties imposed on border goods and services that are imported or exported. They raise the price. ये line कितनी सही थी? Tariffs increase the price in the country in which it is received without disturbing the international price of the product. पढ़ के देखो. अमेरिका वाला मेरे को 100 रुपए में बेच रहा है, तो वो 100 में ही बेचेगा. मैं उस पर टैरिफ लगाता हूँ 25 रुपए का, तो मेरे देश में वो 125 होता है और इंटरनेशनली 100 पे ही रहता है. ठीक है ना? टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स दो होते हैं. टैरिफ मेजर्स विल अफेक्ट व्हाट द प्राइस, नॉन टैरिफ मेजर्स विल अफेक्ट नॉट द प्राइस बट द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट. हिडन और इनविजिबल मेजर्स कहलाते हैं. अदर देन ऑर्डिनरी टैरिफ्स दैट कैन हैव अ पोटेंशियली इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स चेंजिंग द क्वांटिटीज ट्रेडेड और प्राइसेस और बोथ. Measures which alter the conditions of international trade includes policy regulations that restrict the trade as well as those facilitated. Non-tariff measures have a broader prospect than non-tariff barriers which includes the policies to restrict the imports. आप क्लास खत्म करके गए थे यहाँ से, उसके बाद इंडिया ने आपकी क्लास चलते चलते वो लैपटॉप्स पे बैन लगा दिया था. बैन हट गया है, जगह इंपोर्ट लाइसेंसिंग कर दी उन्होंने, और वो भी अभी परमिशन लेना चालू कर रहे हैं. तब तक वो बैन हट गया है, रेगुलरली बाहर से चीजें आ रही हैं, बिकॉज विद इन 1.5 मंथ्स इंडिया रियलाइज्ड दे आर नॉट रेडी. इट विल लीड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ गैजेट्स इन द कंट्री. नाउ दे सेड कि इट विल बी इंपोर्ट लाइसेंसिंग. इंपोर्ट लाइसेंसिंग विल लीड टू व्हाट? नॉन टैरिफ बैरियर. वेरी गुड, पढ़ाया मैंने मतलब ढंग से तुम लोग. गुड. स्पेसिफिक टैरिफ, आइए अब हम टैरिफ के प्रकार पे बात करते हैं. स्पेसिफिक टैरिफ विल बी फिक्स्ड मॉनेटरी टैक्स पर फिजिकल यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स पर यूनिट हो सकता है. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द वैल्यू, वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ गुड्स. जितना ज्यादा आप लगाओगे, कस्टम वैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस केस. एड वैलोरम, एड वैलोरम क्या होंगे? On the basis of value. Very good. So it protects the value of tariff on home producers, gives incentive to deliberately undervalue the goods
प्राइस ऑन इनवॉइस बिल्स ऑफ लैंडिंग टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, पीपल अंडर वैल्यू द गुड्स। ये क्लास में बात करी थी, 1000 रुपए की चीज पे अगर 10% है तो मैं 1000 वाली चीज 100 में लेकर आता हूँ। एंड फिर मिक्स टैरिफ था, मिक्स टैरिफ में क्या होगा, इट बी अ मिक्स ऑफ बोथ, आ रहा है अगले पेज पे। स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी विच एवर इज हायर। कंपाउंड टैरिफ, इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम। टेक्निकल होगा, पेएबल पर कंपोनेंट और रिलेटेड आइटम ऑफ एन इंपोर्टेड गुड। टैरिफ रेट कोटास मींस व्हाट, देयर विल बी सर्टेन लिमिट वेयर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी विल बी देयर एंड एज एंड व्हेन द क्वांटिटी विल इंक्रीज द टैरिफ रेट्स विल बी इंक्रीज। पढ़ के देखो, नेक्स्ट, छोटे छोटे बहुत सारे टैरिफ हैं इधर, ध्यान से पढ़ते जाना, फटाफट सारे टैरिफ रिवाइज करा रहा तुमको। MFN नाम से क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। पहले एक बात बताओ, आगे चल के याद करना, WTO का प्रिंसिपल क्या है, एवरी नेशन इज MFN नेशन, तो यू कांट गिव एनी स्पेशल प्रेफरेंस टू ईच अदर। बट अर्लियर बिफोर WTO केम इन देयर वर मोस्ट फेवर्ड नेशंस, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ इज विच टैरिफ विच वन कंट्री ऑफर्स टू अनदर एट अ रेट विच इज लोअर देन दी अदर कंट्रीज। पढ़ो, जान क्या, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। Variable tariff, what will be the variable tariff? Tell me. Variable tariff is a tariff which will try to be applied to bring it to the international price. If you are coming with a lower price, I will add that variable tariff so that it matches the international price. Yeah. Bring the price of imported goods up to the price of domestic goods. मतलब कोई चीज मेरे यहाँ dump हो रही है तो मैं उसमें लगा सकता हूँ। अच्छा, dump होने पे variable tariff लगाना है या वो trade distortion जाग जाएगा? Trade distortion confirm होगा तो ही dumping लगेगी। तो अगर ट्रेड डिस्टॉर्शन कंफर्म नहीं हो रहा है तो ये लगा सकते हैं। प्रेफरेंशियल टैरिफ, नाम सुन के पता चलता है, सम प्रेफरेंसेस आर गिवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अच्छा, ये सब WTO का मेंबर बनने के बाद रहेंगे या उड़ जाएंगे? उड़ जाएंगे, क्योंकि WTO तो बोलता है सब एग्रीमेंट टू चार्ज लोअर टैरिफ देन MFN रेट ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, दीज एग्रीमेंट्स आर रेसिप्रोकल। ये फायदा दे, your friends with benefits, sorry ये से ये term नहीं use करते ना, तो ने मना करा, ये term अलग sense में जाता है आजकल। bound tariff, इसको है ना सुनना, bound और applied में इसमें दो तीन में बच्चे confuse होते घर पे पढ़ते हैं, तो ऐसे सुनना bound का। bound is I am bound by this, I promise to one country that this is the maximum rate I will apply। तो देखो लिखा है, मैक्सिमम रेट दैट कैन बी इंपोज बाय WTO मेंबर ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर WTO मेंबर, टैरिफ लोअर देन द बाउंड टैरिफ कैन बी फ्रीली चार्ज बट इट कैन बी रेज्ड ओनली आफ्टर नेगोशिएटिंग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड कॉम्पनसेटिंग देम।
मैं बाउंड हूँ 10% पे, 6, 7, 8, 9% पे कोई कुछ नहीं पूछेगा, 12% कब चार्ज कर सकता हूँ, जब कंसेंट हो क्लियर। अप्लाइड टैरिफ ड्यूटी एक्चुअली चार्ज ऑन MFN बेसिस, इट कैन डिफर फ्रॉम MFN ड्यूटी अंटिल अप्लाइड टैरिफ इज लेस देन और इक्वल टू बाउंड रेट। ध्यान से पढ़ना, फिर से सोचो उसको जरा। एक्चुअली चार्ज ऑन MFN बेसिस इट कैन डिफर फ्रॉम MFN ड्यूटी अंटिल अप्लाइड टैरिफ इज लेस देन और इक्वल टू बाउंड रेट फॉर दैट कमोडिटी। बाउंड मतलब मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट से अलग जा सकता है अप्लाइड टैरिफ जब उससे वो कम हो, ज्यादा होने पर तो MF वो एक्टिवेट हो जाएगा बाउंड की, इससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। एस्केलेटेड टैरिफ, ये डायरेक्टली दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एस्केलेटेड टैरिफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इतने सारे नहीं आएंगे, वो छोटे छोटे दो दो नंबर के क्वेश्चन है। एस्केलेटेड टैरिफ इज अ टैरिफ व्हेन योर गुड्स मूव वन ईच एंड विद एवरी इंक्रीजिंग स्टेप इन द वैल्यू एडिशन चेन द रेट्स विल इंक्रीज। रॉ मटेरियल विल बी चार्ज एट अ लेसर रेट, सेमी फिनिश गुड्स विल बी एट अ हायर रेट एंड फिनिश गुड्स विल ऑल्सो बी एट अ इवन हायर रेट सो एज टू डिस्करेज मैन्युफैक्चरिंग इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। हाँ, जितना जितना बन के आएगा मैं उतना उतना इंपोर्ट लगाऊंगा, मैं चाहता नहीं हूं कि तुम तुम्हारे घर में उसको मैन्युफैक्चर कर सको, तुम तो सिर्फ रॉ मटेरियल मुझे दे दो। रेस्ट्रिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्रोहिबिटिव टैरिफ इट इज सेट सो हाई दैट नो इंपोर्ट्स विल टेक प्लेस। 300% ड्यूटी टेस्ला पे भेजा, उसके बावजूद किसी को खरीद नहीं, खरीद चार्जिंग देंगे ही नहीं यहाँ पे, हम कैसा घुमाएगा। इंपोर्ट सब्सिडीज उल्टा, इंपोर्ट सब्सिडीज इज फिक्स पेमेंट पर यूनिट एज अ परसेंटेज वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ये जनरली कब लागू होगी, व्हेन यू वांट टू इंपोर्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड एंड यू वांट टू सपोर्ट पीपल टू इंपोर्ट इट। ओके, टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। अब यहाँ आते हम, ट्रेड डिस्टॉर्शन मतलब क्या, वेयर देयर इज क्लियरली अ इंडिकेशन दैट द पर्सन इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्टर्ब द मार्केट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। मन से हो जाएगा या फिर देख के करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव। एंड इफ देयर इज अ ट्रेड डिस्टॉर्शन इट कैन हैपन इन टू वेज। नंबर वन, इफ द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स इज सेलिंग हिज गुड्स एट हिज डोमेस्टिक सेल प्राइस, लोअर देन द डोमेस्टिक सेल प्राइस और हिज कॉस्ट प्राइस और हिज मार्केट प्राइस, एनी ऑफ द थ्री से नीचे गया तो डंपिंग विल अप्लाई। सो देन द इंपोर्टिंग कंट्री इज अंडर हैविंग द राइट टू इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ट्राउजर वाला, जर्मनी का, आपके मेरे स्टडी मटेरियल स्पेसिफिकली यही स्टडी मटेरियल में जर्मनी का एक क्वेश्चन है वो ट्राउजर्स वाला, उस पर है ये चीज कि अपनी जापान का है या ऑस्ट्रेलिया का, ऐसा तीन कंट्री का दिया है उन्होंने आई रिमेम्बर। देखो नीचे लिखा है अकर्स एंटी डंपिंग, थोड़ा सा ज्यादा था तो देखो, व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल्स इन फॉरेन कंट्री बिलो द मार्केट प्राइस इन देयर ओन कंट्री और बिलो द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इट फेवर्स बायर्स ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। Practice to drive out domestic producer and establish poly power. When this happen, additional duties are imposed to offset foreign firms' undue price advantage. Beneficial only when results cost to customer is less than benefit to producers. ये कब होता है, जब कोई बंदा खुद loss उठा के काम करे,
और अगर उसको वहां की गवर्नमेंट हेल्प करे तो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, ये दोनों ट्रेड डिस्टॉर्शन, एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग बिल्कुल होना चाहिए दिमाग में, एस्केलेटेड टैरिफ होना चाहिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देख लिए होंगे, दिस इज नो हाई फाई, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, बस उसको पढ़ के रखने का कि हाँ ये मेरे को पता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी द चार्ज टू ऑफसेट द आर्टिफिशियल लो प्राइसिंग बाय फॉरेन प्रोड्यूसर्स हु एंजॉय एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव होम गवर्नमेंट। यहाँ तक आते आते आपके मेरे टैरिफ्स हो गए खत्म, 12-13 प्रकार के थे। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ, फर्स्ट इफेक्ट इज इट इंक्रीजेस द प्राइस इन द डोमेस्टिक कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री, इट इंक्रीजेस द रेवेन्यू, इट एनकरेजेस द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज देयर प्राइस एंड अर्न अ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड दैट प्रोड्यूसर सरप्लस विल प्रॉम्प्ट मेनी अदर पीपल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री। हेलो पढ़ के देखो, ये एग्जाम में पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन। अब हम नॉन टैरिफ और नॉन टेक्निकल मेजर्स पर आ रहे हैं। इसमें नॉन टैरिफ मेजर्स में दो थे, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी को देखो, इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ फ्रॉम रिस्क दैट मे अराइज ड्यू टू एडिटिव्स, पेस्ट, कंटामिनेशन, टॉक्सिन और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड्स बैन और प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स बाय द गवर्नमेंट। इंसानी और खाने पीने और एनिमल लाइफ पे जितनी भी चीजें हैं वो किस पे जा रही हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। पेपर वर्क, कंप्लायंस, कंडीशंस, वो सब किस में जाएंगी, नॉन टेक्निकल मेजर्स में। हेलो, टेक्निकल मेजर्स में सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एंड टेक्निकल बैरियर्स में, अब मैं आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन बदल दूं और वो सब कर दूं जो दूसरी चीज है, तो वो सब किधर जा रहा है, नॉन टैरिफ मेजर्स। ओके, सेजल कौन सी वाली सेकंड लाइन, बस थोड़ा सा लैग रहता है यहाँ पर। आपने जब सेकंड लाइन लिखा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ। इफ यू कैन स्पेसिफिकली पॉइंट आउट इट विल हेल्प मी, बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड आई एम गेटिंग द चैट देयर इज अ लैग ऑफ अराउंड 5 to 10 seconds। ओके, टेक्निकल बैरियर्स कवर्स बोथ फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स, दीज आर स्टैंडर्ड एंड टेक्निकल रेजिस्टेंस दैट refer to the specific characters that a product should have, size, shape, design, labeling, functionality and production methods, excluding those covered under SPS measures. SPS में सब animal plant life और आपके लोगों के और contamination और मतलब जो typical product से directly connected है, उसके product की features के अलावा जितनी चीजें वो कहाँ आ रही है, technical barriers to trade। और ये दोनों किसके अंदर बैठे हुए हैं, non tariff measures। हेलो, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी चेक बिफोर शिपिंग फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अल्टरिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स में इधर भी इम्पॉसिबल फॉर सम कंट्रीज और रेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेकिंग इट अनकॉम्पिटेटिव फॉर द मार्केट। नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर हार्ड मेजर्स, थ्रेट मेजर्स, अदर मेजर्स थे,
इंपोर्ट रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड एंड प्रोसीजरल डिलेस। नॉन टेक्निकल में क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड रहेंगे या फिर प्रोसीजरल मैटर्स। हार्श मेजर्स कौन से होते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी कंट्रोल। थ्रेट मेजर्स सेफगार्ड्स। अदर मेजर्स सच एज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस मेजर्स। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंपोर्ट रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड एंड प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स। कॉमन नॉन टेक्निकल मेजर्स इंक्लूड व्हाट, अब यहां से गाड़ी चलेगी अपनी, अलग अलग मेजर्स को समझेंगे हम लोग। तो ये करीबन अपने 10-1 हैं, हम कितना कर चुके हैं अभी, हम 40 मिनट्स दे चुके हैं, हम ऑलमोस्ट 1.5-2 यूनिट तक आ चुके हैं। सही चल रहा है, कितना टच करना है, डीप में या ऊपर ऊपर से ले जाऊं, जैसा आप बोलोगे, मतलब दैट्स व्हाट। क्योंकि इस बहाने ये जेन्युइन पढ़ाई है, मतलब मैं अगर आपको यहाँ खड़े होकर बोल दूं हाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन देख लेना, सेफगार्ड्स देख लेना, एम्बार्कोस देख लेना, ये सुनने के लिए नहीं बैठे हो तुम यहाँ, तो देख लेना तो फिर हम घर पे देख ही रहे थे सर, तो घर बैठ के थ्योरी पढ़ नहीं पाते ना ऐसे। देखो ये ज्ञानी जागा है उधर से, पूरा पढ़ाओ, पूरा कोर्स पढ़ा दूं पूरा वापस। नहीं अपन लेते हैं सर, मैं कल बार बार बोल रहा हूँ ना, आई वॉज इन अ डायलेमा, मैंने यार 2 घंटे में मजाक नहीं किया जा सकता बच्चों के साथ, मैंने ऑनेस्टली उनके साथ ऐसा एक अच्छा पढ़ाओ तो उनको फिर दूसरे में भी आने की इच्छा रहेगी, ठीक है दूसरे में भी ये कवर करवा देगा, है ना। चलो आप इम्पोर्ट कोटास, तो पहला है प्राइस कंट्रोल मेजर्स, नीचे ऑल्सो नोन एज पैरा टैरिफ मेजर्स, एम टू अल्टर द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स टू मैच देयर डोमेस्टिक प्राइसेस। उसके बाद इंक्लूड्स मेजर्स अदर देन टैरिफ मेजर्स दैट अल्टर द प्राइस ऑफ गुड्स बाय फिक्स अमाउंट और परसेंटेज। अब आता है इंपोर्ट कोटा, नाम से क्या रहता है, यू सेट अप अ कोटा कि इतने तक इंपोर्ट, तो अब टैरिफ कोटा आता है और एब्सोल्यूट कोटा आता है। नीचे देखो पहले हेडिंग्स, इंपोर्ट कोटा इज इंपोर्ट इक्वल टू स्पेसिफाइड कोटा कैन टेक प्लेस फ्रीली आफ्टर द अबव कोटा सेवरल रेस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड। Absolute quotas. These are quotas of permanent nature that limit the imports to a specified quantity during a specified period of time. हर साल आप इतना import कर सकते हो, इतने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर problem है। अच्छा एक बात बताओ, if I have an quota import but I don't want it, should I keep it or can I sell it? As good as like rights issue. Remember. So if I have a right, I can sell it or use it. So if I can sell it, I get some money. Renunciation of rights. Similarly, if I have a quota and if I can sell it, that is called quota rent. पढ़ के देखो जल्दी से, पहले 3 bullets. Non-automatic licensing and provisions. It is aimed at limiting the quantity of goods that can be imported irrespective of whether they originate from one supplier or several suppliers.
दे मे बी एनफोर्स इधर थ्रू कंप्लीट प्रोहिबिशन और इम्पोजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स. अब तक ऑटोमेटिकली सबको फ्री इम्पोर्ट अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अब जाकर क्या बोल दिया, इम्पोर्ट लाइसेंस लो. अभी जो लैपटॉप और गैजेट्स का बोल रहा था तो इसमें फंसाया है उनको लाके लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में. अब होगा क्या, अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा. गवर्नमेंट इनको करेगी नॉन टैरिफ मेजर्स से परेशान. गवर्नमेंट बोलेगी कितने कंपोनेंट बाहर के हैं, कितने इंडिया के हैं, कौन कौन से कंपोनेंट तुम इंडिया में बनाने वाले हो, उसकी कमिटमेंट दो, टाइमलाइन दो. उससे फिर वो बोलेंगे ठीक है हम इतने कंपोनेंट इंडिया में असेंबल कर देंगे. तो उससे गवर्नमेंट बोलेगी वेरी गुड, चलो फैक्ट्री खोलो, रोजगार बढ़ाओ. क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है, बेचना है बनाओ, और आके हमारे यहाँ ही बनाओ. टेक्नोलॉजी समझिए आप. ये सिर्फ पैसे बढ़ाने, पैसे बांटने से नहीं होगा. कल आ गया सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है कि जितनी भी फ्रीबीज बांटी जा रही है उनको रिश्वत करार दिया जाए. स्वाभाविक सी बात है, बोले मध्य प्रदेश राजस्थान गवर्नमेंट जो कर रही है अभी, इट शुड बी गेटिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्रीबीज, इट शुड बी कंसीडर्ड एज ब्राइब गिवन टू वोटर्स. सुनवाई एक महीने बाद है, लेकिन हल्ला तो मचना चालू हुआ. सोल्यूशन अभी नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा, कभी तो निकलेगा, बट मुद्दा शुरू हो गया है. फाइनेंशियल मेजर्स में क्या करते हो आप, फॉरेन करेंसी उसको हायर रेट पे अवेलेबल करवाओगे. इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की करेंसी का रेट पेमेंट के टाइम ज्यादा रहेगा, या पहले पैसे दो इसके. लिखा है एम्ड एट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बाय रेगुलेटिंग द एक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी अवेलेबल फॉर इंपोर्ट्स एंड टू रेगुलेट द टर्म्स ऑफ पेमेंट. इट मे इंक्लूड सच एज एडवांस पेमेंट रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस डिनाइंग यूज ऑफ फॉरेक्स टू मेक पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स और फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज. मतलब ऐसी चीज मंगा रहे हो जो इंडिया नहीं चाहता है, तो इंडिया बोलेगा इसके लिए फॉरेन करेंसी का रेट $1 इक्वल टू 80 नहीं 85 रहेगा, आपको महंगा पड़ेगा. ये करेंसी के लिए तुमको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, इस कंट्री से हम जनरली काम करते नहीं है. तो दे आर ट्राइंग टू इरिटेट यू कुल मिलाकर, सो दैट यू डोंट इम्पोर्ट फ्रॉम दोज कंट्रीज. मेजर्स अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन, ग्रांटिंग स्पेशल प्रेफरेंस और प्रिविलेजेस for limited group of economic operators. It may include government imposing special import channels or enterprises or compulsory use of national services. जो भी कुछ होगा government के through होगा, government की agency ही import करेगी, आपको allowed नहीं है, private players involved नहीं हो सकते. ये सब जब होगा तो क्या होगा, तो smooth होगा या restrict होगा? Restrict होगा. Government procurement policies, government says We are saying that at least this much of the production shall be procured in India from India only. Because the government is the biggest buyer in any country. If government says we will do local procurement, so it will stop the flow of imported goods. मैंने क्लास में वो जूतों का एग्जाम्पल दिया था आपको. हमारे डिफेंस के जूते इंडिया में जयपुर से बन के जर्मनी जाते थे और जर्मनी से वापस यहाँ आते थे. फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो चले गए, उन्होंने जाके मनोहर पर्रिकर ने डायरेक्टली बोला ऐसा क्यों करते हो आप, तो पेमेंट हमारे यहाँ 2 साल में आती, इसीलिए बोले पेमेंट अब 1 महीने में आएगी, भाव बोलो. 2000 का जूता 400 का हो गया था. ये ट्रू है, फेक नहीं रहा हूँ, इट इज वेरीफाइड. अवर डिफेंस मिनिस्टर एक्चुअली ड्रोव टू द कंपनी सीईओ, कार में बैठ के गए वहां पे, क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हारा जूता वहां से क्यों आता है हमारे पास, बोले ये प्रॉब्लम है, बोले आज से नहीं होगी, हमको डायरेक्ट दो. द मिडिलमैन कमीशन वाज रिमूव्ड. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, लोकल कंपोनेंट रिक्वायरमेंट्स में भी गिवन रिक्वायरमेंट्स टू सर्टेन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स, रेस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, रिक्वायरिंग दैट अ फर्म मे यूज इंपोर्टेड कंपोनेंट्स ओनली टू अ एक्सटेंट ऑफ सर्टेन वैल्यू इट्स प्रोडक्ट इट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स का 50% इंपोर्ट करने देंगे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शंस, इफ यू आर अ प्रोडक्ट इज एन इंपोर्टेड प्रोडक्ट, तो अपन ने कि WTO के प्रिंसिपल में अभी आगे पढ़ाऊंगा, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल NTP. नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज वंस एनीथिंग एंटर्स इनटू योर कंट्री इट शुड बी ट्रीटेड एज सेम.
इम्पोर्टेड एप्पल है तो फ्रिज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इज नॉट द राइट थिंग, वही लिखा उसके अंदर। रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेस, ऑल द सेल्स एंड सर्विसेस, एप्पल वालों को बोला है इंडिया में एप्पल बेचोगे तो रिपेयरिंग भी इंडिया में ही करना पड़ेगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ये परमिशन लाओ, वो परमिशन लाओ, सो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर दैट आर कंपल्सरी फॉर इम्पोर्ट सच एज लाइसेंसिंग, रेड टैपिज्म, करप्शन, रिक्वायरमेंट्स टू प्रूव कंप्लायंसेस एटसेट्रा मे इंक्रीज द प्रॉब्लम। रूल्स ऑफ ओरिजिन, यू मे आस्क द कंपनीज टू मेंशन दैट द प्रोडक्ट विच यू आर सेंडिंग अस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। वी अंडरस्टूड दैट पाकिस्तान ट्रेड गोइंग थ्रू दुबई, यस। सेफगार्ड्स, रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी टेम्पररीली इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज बैडली अफेक्टेड बाय अ सर्ज इन, बोले सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, वी आर सीइंग दैट अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज गेटिंग बैडली अफेक्टेड, तो इज सेफगार्ड द फर्स्ट थिंग टू डू और एंटी डंपिंग इज फर्स्ट थिंग टू डू? पहले इफ यू सी अ डैमेज टू योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री यू सेफगार्ड, एंड टिल द टाइम यू प्रूव दैट देन यू कैन अप्लाई एंटी डंपिंग। सो बिफोर एंटी डंपिंग व्हाट विल यू अप्लाई? सेफगार्ड, ये ध्यान रखना। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम आता तो पहले सेफगार्ड लगेगा, सेफगार्ड के बाद अगर प्रूव हो गया कि डोमेस्टिक में इंपैक्ट है और वहां के कारण हो रहा है, सो देन ट्रेड डिस्टॉर्शन एस्टैब्लिश करने के बाद एंटी डंपिंग या काउंटर वैल्यू। एम्बार्गो, सर अ कंप्लीट बैन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफ अ कंट्री इज एट वॉर, सो देर वॉज एन एम्बार्गो वेन रशिया अटैक यूक्रेन, सो देर वॉज एन एम्बार्गो ऑफ ट्रेड विथ रशिया बाय अमेरिका, एवरीथिंग वॉज स्टॉप, पेमेंट्स वर स्टॉप, ट्रांजेक्शन्स वर स्टॉप्ड, कंप्लीट बैन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टू अ कंट्री और रीजन फॉर अ स्पेसिफाइड और इंडेफिनेट पीरियड ड्यू टू पॉलिटिकल, रिलीजियस और अदर रीजन्स एंड जनरली इम्पोज ड्यूरिंग वॉर्स। हमारे सारे के सारे नॉन टैरिफ मेजर्स कंप्लीट हो गए, अब हमारे एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स हैं, तो यहाँ आकर हमारा यूनिट टू समाप्ति की। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स चार हैं, नंबर ऑन बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स, एंड देन वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। चौथा वाला ध्यान से समझना, व्हेन टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वॉलंटरीली डिसाइड दैट आई एम नॉट एक्सपोर्टिंग राइट नाउ, यू डोंट इम्पोर्ट फ्रॉम मी, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिमांड शॉर्टेज और इंक्रीज ऑफ प्राइसेस एंड देन डूइंग इट, सो वॉलंटरी इज लाइक म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन टू। पढ़ के देखो चारों जरा, आ गया ये क्या है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। ये भैया दो नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं इन लोग, अभी क्या इतनी छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं, इसको याद करने का एक ही तरीका है, जैसे मैं आपको स्लाइड्स दे रहा हूँ तो आप है ना ब्राउज कर लेना स्लाइड्स। आई डोंट नो मैगजीन अप्रोच, मैंने बहुत पहले अगस्त 15 को आपको बताया था, डिड एनीबॉडी अप्लाई दैट मैगजीन अप्रोच 40 मिनट्स पर डे नेक्स्ट डे डूइंग क्वेश्चंस, नहीं हो पाया, हो गया ना एक एक बार, तो सर हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है, हो ही गया है क्या ही बताएं। सर आप सब लोग यहाँ पे खड़े होके बोलते हो ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मान के हमारे यहाँ क्या क्या चल रहा है हमको पता है। तो दिस इज प्रैक्टिकली एंड ऑफ यूनिट टू, अब जो है यूनिट थ्री उसमें से क्या क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। WTO की थ्योरी कब फॉर्मेशन हुआ, गैट समझौता, ये सब कोई इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ 13 प्रिंसिपल्स पढ़ना है तुमको,
मैं तुमको कुछ स्लाइड्स बता रहा हूँ, ध्यान देना, तुम्हारे नोट से मैच कर लेना। उधर भी मैंने जेएफआर जेएफआर लिखवाया होगा तुमको, देखो जरा। पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में ये नहीं पढ़ना है। ये पढ़ना है अपने को, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वन साइडेड व्हेन वन कंट्री डज एन एग्रीमेंट विद अदर्स, बायलैटरल इज व्हेन टू और मोर कंट्रीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद ईच अदर। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कब होते हैं? व्हेन देयर आर स्पेसिफिक रीजन, सार्क, ब्रिक्स, आसियान। सो ट्रेडिंग ब्लॉक, हाँ यहाँ पर कस्टम यूनियन ट्रेडिंग ब्लॉक में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। Group of countries that have a free trade agreement between themselves and they have a common tariff with other countries. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. अगर एक ग्रुप बना ले आपस, नेपाल भी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल, द मोमेंट चाइना एडेड, चाइना लेफ्ट, चाइना बोला मेरा ग्रुप अलग बना हुआ है इनके साथ, चाइना लेफ्ट, कौन बचा? या पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका। अब ये पांच ने मिलके बना लिया, बोला आपस में ट्रेड फ्री, और अपने से बाहर से वाला कोई आएगा तो उसके साथ एक कॉमन टैरिफ, ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक आपके नोट्स में लिखवा चुका हूं मैं आपको, ट्रेडिंग ब्लॉक। अब दूसरे में आएगा वो आएगा कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या बोलता है? आपस के बीच में फ्री ट्रेड, लेकिन बाहर वालों के साथ अपना अपना रेट खुद तय कर लेना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ब्लॉक एंड कस्टम यूनियन। यह समझ में आया कि नहीं? सॉरी कस्टम यूनियन नहीं, फ्री ट्रेड एरिया, सॉरी सॉरी, बोलते बोलते कस्टम यूनियन पड़ गया, वो फ्री ट्रेड एरिया है, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, वापस बोल देता हूं। पांचों देशों के बीच में एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एरिया, और दूसरों के साथ रेट डिसाइड करने की आजादी, वो कहलाएगा फ्री ट्रेड एरिया। गलती से आपको उसको कस्टम यूनियन बोल दिया। अब कस्टम यूनियन में आओ, कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स। अब फर्क क्या है समझना, कस्टम यूनियन और ट्रेडिंग ब्लॉक की पहली लाइन साथ में पढ़ो। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेडिंग ब्लॉक की फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कस्टम यूनियन की पहली लाइन क्या है? मतलब वहां पर टोटल सामान आने जाने पे फ्री है ट्रेडिंग ब्लॉक में, और वहां पर टैरिफ्स हटे हैं तो गुड्स की लिस्ट बनती है कि इन पे हम फ्री ट्रेड दे रहे हैं, बाकी पे पूरा फ्री अलाउड नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। हेलो, क्योंकि एक्सटर्नल टैरिफ कस्टम्स यूनियन में भी है और ट्रेडिंग ब्लॉक में भी है, कॉमन टैरिफ, यस और नो? भाई आगे आ जा, लाइट आगे जल रही है। उसके बाद आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट बोलता है फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एडिशन टू फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट ऑफ एन यूनियन। सामान आने जाने के अलावा इंसान भी आ जा सकते हैं। दो मेंबर कंट्रीज हार्मोनाइज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड कमर्शियल एंड फाइनेंशियल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मार्केट। सो कॉमन मार्केट में ओनली गुड्स विल मूव और गुड्स प्लस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड। इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन, यू हैव अ कॉमन कॉमन करेंसी एंड कॉमन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगेन अ ग्रेट एग्जाम्पल इज यूरोपियन यूनियन। ओके, मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम में तो बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, गैट की हिस्ट्री, ये सब जरूरत नहीं है। WTO कब बना? 1945 में बना था, 45 में तो वर्ल्ड बैंक बना था, 1995 में बना था, और हर मेंबर का एक सिंगल वोट है, एक मिनिस्टरियल काउंसिल है, एक जनरल काउंसिल है, और एक ऑफिशियल काउंसिल है, तीन काउंसिल हैं इसमें, मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल एंड गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैंने समराइज कर दिया है। वेरी अनलाइकली दे मैं आस्क यू दिस, पता नहीं एक आध बार किसी रिवीजन टेस्ट पेपर में मैंने देखा है, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ WTO, तो आपको बोलना पड़ता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वंस इन एवरी 2 ईयर्स दे मीट, जनरल काउंसिल दे मीट सेवरल टाइम्स इन ईयर एंड दे डिस्कस अबाउट द मैटर्स, एंड देन देयर इज गुड्स एंड सर्विस काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल विच डील्स ऑन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये 13 प्रिंसिपल जो हैं WTO के हर एग्रीमेंट में जो चाहिए, ये लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। तो पहला था ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसका क्या मतलब, एवरी नेशन इज इक्वल, नो नेशन इज स्मॉल एंड बिग, एवरी नेशन शैल बी ट्रीटेड इक्वली। तो अगर ये लाइन आती है तो MFN का कॉन्सेप्ट कैंसल हो गया। पर जो देश मेंबर बने बोले हमारा पहले से कुछ चल रहा है, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ऐसा रहेगा। सो इफ एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इज आस्क्ड कैन MFN रेट्स एंड WTO को एग्जिस्ट, यस दे आर को एग्जिस्टिंग, बिकॉज MFN एग्रीमेंट्स हैव बी डन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ WTO। देन सेकेंड इज नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, एनी गुड्स विच एंटर इन टू योर मार्केट वंस फ्रॉम अनदर कंट्री शैल बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज यू आर ट्रीटिंग द गुड्स ऑफ योर ओन कंट्री, यही लिखा है देखो। देन देर इज फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मीन्स यू शुड रिड्यूस नॉन टैरिफ मेजर्स एज मच एज पॉसिबल एंड ओनली रेस्ट्रिक्शन विच यू हैव टू अप्लाई ऑन गुड्स शैल बी बाय बेस ऑफ टैरिफ, बराबर। प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड यू शुड नॉट डिफाइन द क्वांटिटी लिमिट, एनीथिंग शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ टैरिफ ओनली बट क्वांटिटी शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। एंड रूल ऑफ ग्रेटर कॉम्पिटेटिवनेस ये कहता है दे एस्टैब्लिश व्हाट इज फेयर एंड अनफेयर एंड हाउ गवर्नमेंट्स कैन टेक एक्शन स्पेशली बाय चार्जिंग एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय अनफेयर ट्रेड। तो एग्रीमेंट में लिखा है एवरी गवर्नमेंट हैज द राइट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंटरेस्ट, हेलो, जैसे ही हम लोगों ने वो लैपटॉप्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बैन लगाया, इंपोर्ट बैन लगाया था ना, WTO में शिकायत पहुंच गई थी, तो अपने यहां से जवाब क्या था, इट इज वेल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द WTO एग्रीमेंट्स, वी वांट टू सेफ गार्ड आवर सेल्स, वी आर नॉट इम्पोजिंग एनी ड्यूटीज बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डैमेज टू अवर इंडस्ट्री एंड मेंटेन द कॉम्पिटिटिवनेस दीज आर वैलिड। फिर पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने बाद वो बैन हट गया और उसके बाद बोला लाइसेंसिंग होगी, लाइसेंसिंग में व्यवस्था जमाने में टाइम लगेगा, तब तक पुरानी स्थिति चलने दो, ऐसा सरकारी रिकॉर्ड्स में है। अब बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ है, गॉड नोस, बट वो झटका दे दिया एक बार इंडिया ने सबको, ए मार्केट हमारा बड़ा है, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पोर्टर 5 फोर्स, इफ द बायर इज स्ट्रॉन्ग ही विल डिक्टेट द स्ट्रैटेजी, राइवल्स न्यू एंट्रेंट सप्लायर सब्स्टिट्यूट, 90 मार्क्स का। प्रेडिक्टेबिलिटी, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू मेक शुड नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी चेंज्ड एंड शुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग बिकॉज पीपल हैव प्लान्ड द प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, प्रेडिक्टेबिलिटी। टैरिफ इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये बार बार वो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, द डिसीजन मेकिंग शैल बी ट्रांसपेरेंट, देखो पड़ता है एनी डिसीजन बाय मेंबर्स इन स्फीयर ऑफ ट्रेड और इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स अफेक्टिंग ट्रेड हैव टू बी इनवेरिएबली एंड विदाउट डिले टू बी नोटिफाइड टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स, इन केस ऑफ एनी ऑपोजिशन टू सच चेंजेस दे शुड बी एप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एंड एनी लॉस अकॉर्डिंग टू द अफेक्टेड मेंबर्स शुड बी सुटेबली कॉम्पनसेटेड फॉर, इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज शुड बी गिवन टाइम एंड प्रिविलेज दैट दे कैन कंटिन्यू इट फॉर फर्दर, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस द लिबरलाइजेशन इन सर्विसेज, बिकॉज इन 1995 इंटरनेट वॉज नॉट देयर, सर्विस सेक्टर वॉज नॉट इवन द एग्जिस्टेंस नाइसली, सो इट वॉज सेट दैट यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द लिबरलाइजेशन, मीन्स यू कैन इंक्रीज द रेस्ट्रिक्शंस, यू कैन
रिलीज द रेस्ट्रिक्शंस, ओके, मार्केट एक्सेस, यू नीड टू अलाउ द मार्केट टू अदर पीपल ऑल्सो. Protection of health and environment. Anything which damages your health or environment, it can be used as a tool, but it should not be made as a tool of discouraging the import. You can use these restrictions, but not use it as a shield to stop the imports. Such measures should be non-discriminatory and members should not employ environmental protection measures as a means of disguising protectionist policies. अभी ये वाली language तुमको click नहीं होती. मैं बोल रहा हूँ वो जल्दी समझ में आ जाती है. फिर से पढ़ो वो सेकंड लाइन हेल्थ एनवायरनमेंट वाली. आइए जी, पढ़ा वो समझ में आया? हाँ, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का मतलब ये है, मैं अगर इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहता हूँ तो मैं हेल्थ और एनवायरनमेंट कंसर्न के नाम पे उसका बहुत ज्यादा यूजेज करता हूँ. इसका एक एग्जांपल याद दे लेता हूँ. जब आपके देश में कोई बोले कि मैं बाहर से जो भी स्टफ आएगा मैं उसका 50% सैंपल चेक करूंगा, ये अपने है नोट्स में, श्रिम्स वाला. So what you are trying to do, health and environment के नाम पे you are trying to say कि 50% sample check, that means you really don't want me to send ना. You don't believe us. 50% sample check कौन करता है? ऐसा. एक मिनट, 13 पे. फिर कुछ ट्रेड नेगोशिएशन के एग्रीमेंट्स थे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, टेक्सटाइल क्लोदिंग, ये बढ़ रहे थे, बाकी इनके अंदर कोई डेवलपमेंट्स आगे भी नहीं हुए हैं. आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर, बराबर. ये प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, दोहा राउंड वगैरह मैंने जेएफआर करके लिखे थे, मैंने पढ़ा दिए हैं, पर वो जेएफआर कैटेगरी के अंदर है. बार बार बोलूंगा जेएफआर का मतलब ये नहीं होता पूरी तरह छोड़ना है, बट उसको आप अपना इंपॉर्टेंस कम दे सकते हो. ओके, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उनने, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद डब्ल्यूटीओ, ये आया हुआ है क्वेश्चन. देखो एग्जामिनर का माइंडसेट समझ लो, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टैरिफ, मतलब वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहता. फिर दूसरा वो बोलता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स विद डब्ल्यूटीओ, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स. कभी कभी वो बारीकी से जाके कुछ एक टैरिफ स्पेशली पूछ रहा है, तो प्लीज एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोविजन और हाउएवर टाइप मत पढ़ो. इसको आप एक पेज को आधा घंटा पढ़ने के बजाय 4 पेज को 5-5 मिनट पढ़ लोगे वो ज्यादा सही है. डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट टू प्रॉपरली,
नहीं हो पाएगा वो वैसा। मेजर इश्यूज विद WTO, नंबर वन, देर इज वेरी लेस प्रोग्रेस ऑन थिंग्स विच वुड हैव वॉज अग्रीड इन उरुग्वे राउंड। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट रिसीव द बेनिफिट्स विच वर प्रोमिस्ड टू देम एंड द ट्रांजिशनल प्रॉब्लम सफर्ड बाई डोमेस्टिक कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज आर फार मोर। देखो द प्रोग्रेस ऑफ मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस इज वेरी स्लो एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंसस अमंग ऑल मेंबर्स एक्ट एज अ कंस्ट्रेंट एंड क्रिएट्स रिजिडिटी इन द सिस्टम। मतलब एवरी मेंबर हैज टू अग्री देन ओनली द एग्रीमेंट विल हैपन। एवरी मेंबर इज नॉट एबल टू अग्री सो द सिस्टम इज मूविंग फास्ट और वेरी स्लो, वेरी स्लो। द नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटीज एंड मर्कीनेस। मर्कीनेस मतलब उलझना इन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। द लिबरलाइजिंग ट्रेड इन एग्रीकल्चर टेक्सटाइल एंड अपेरल हैज नॉट बीन मेड एनीवेयर, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्सटाइल अपेरल सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है। विदेशियों को बुलाना मतलब खतरे को इन्वाइट करना, इसलिए बहुत सारे देशों ने इसमें आज तक कुछ आगे करा ही नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म एंड लैक ऑफ विलिंगनेस अमंग डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस ऑन अ मल्टीलैटरल बेसिस। डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट अलाउइंग द डेवलपिंग कंट्रीज टू एंटर इन टू देयर मार्केट्स। क्या हो रहा है, बड़ा देश छोटे देश को आने नहीं दे रहा है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज फेस हाई टैरिफ्स ऑन सिलेक्ट प्रोडक्ट्स इन मेनी मार्केट्स। डेवलपिंग कंट्रीज कुछ प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो जब तक वहां पहुंचता प्रोडक्ट वो बहुत महंगा कर देते हैं उसे। ओके अच्छा यही चीज मैंने बना भी दी थी, सेम ही है। एक मिनट, पांच तो ये है डेवलपिंग कंट्री। हाँ आखिरी के तीन और देखो, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में मिस्टेक हुई है। Tariff escalation where an importing country protects its processing or manufacturing industry by setting lower duties on import of raw materials and higher duties on finished products. ये वही escalation tariff, फिर से पढ़ के देखो second वाले bullet को। मतलब मैं अगर application of knowledge वाला question बनाऊं तो आपको क्या बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा द कंट्री वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ दे शुड इम्पोज। तो एस्केलेटेड टैरिफ इज द आंसर। अगर मैं मेरे प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो मैं कौन सा टैरिफ लगाऊंगा, मैं एस्केलेटेड टैरिफ लगाऊंगा जिसमें रॉ मटेरियल पे सबसे कम रहेगा, फिनिश गुड पे सबसे ज्यादा टैरिफ रहेगा। नीचे सेकंड लास्ट वाला देखो, पॉसिबल इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस दैट इज स्पेशल टैरिफ कंसेशंस ग्रांटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज हैव बिकम लेस मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम बिटवीन द नॉर्मल एंड प्रेफरेंशियल रेट्स। पहले आप मुझे कोई स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे थे तो 10% का रेट था, दुनिया से तुम 11% में मंगा रहे हो तो 1% में मेरा क्या होगा, 10 और 16 होता, 10 और 15 होता तो फर्क पड़ता, ये बोलना चाहता है। और छोटी कंट्री बर्बाद जल्दी होती है, चारों के पास इतनी ताकत नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर वल्नरेबल विद रिगार्ड टू एडजस्टमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल कैपिटल, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तीन यूनिट में अभी करवा दिया आपको लंबे वाले, तो चौथा यूनिट और पांचवा यूनिट है तो उसके मैं की वर्ड्स आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ, उसका प्रैक्टिकल में अगले वाले सेशन में करूंगा। तो आपको ये नहीं लगे कि सिर्फ एक ही यूनिट हुआ हमारा, याद दिलाता हूं, एक्सचेंज रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैं बोलूंगा मैं याद करके आया हूं, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट इज अ रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्ड रेट। हेलो, इट इज डन वेन अ कंट्री एस्टेब्लिशेस अ फिक्स रेट। Think these many units of one currency will be needed to get the domestic currency. These fixed rate regime requires the intervention of the central bank, maintain the value of currency, and it has to ensure sufficient surplus and sufficient balances that if any fluctuation occurs, they are there. China uses a fixed rate regime. In floating rate regime, it is free flow of determination of exchange rates between the domestic currency and the foreign currency. The country
मॉनेटरी अथॉरिटी इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद द इंटरनेशनल रेट्स, इट हैज नो फोकस ऑन दिस एंड नो कंट्रोल ऑन द इंटरनेशनल रेट्स, इट कैन फोकस क्लियरली ऑन इट्स ओन मॉनेटरी पॉलिसी. फिक्स्ड फ्लोटिंग, फिक्स्ड के अंदर सॉफ्ट पेग हार्ड पेग. सॉफ्ट पेग में यू हैव अ रेंज, सर्टेन अ रेट इज डिफाइंड बट फ्लेक्सिबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंड ऑन द अपसाइड एंड द डाउनसाइड बोथ इज गिवन. सॉफ्ट पेग हार्ड पेग बराबर, दीज वर द फिक्स्ड रेट रेजिम्स. एनी एक्सचेंज रेट हैज गॉट टू वेज टू अड्रेस एनीथिंग. व्हाट इज फॉरेन, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नीडेड टू परचेज वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. द फॉरेन एक्सचेंज रेट, काइंड ऑफ रेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोपियन कोट, इनडायरेक्ट कोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन कोट. अंडर द डायरेक्ट कोट नीड टू हैव हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यूज टू परचेज वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. डायरेक्ट कोट, यूरोपियन कोट, ओके. इनडायरेक्ट कोट, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज बाय वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इनडायरेक्ट कोट. एंड वेन यू पुट दिस रेट इन द मार्केट, यू हैव अ बिड रेट एंड यू हैव अ आस्क रेट. बराबर, बी फॉर बाइंग, हु विल बाय, द पर्सन और द बैंक? द बैंक विल बाय. एंड हु विल सेल? द बैंक विल सेल. सो आस्क रेट, आस्क, ASK, S इज सेल, एंड बिड बाय, फ्रॉम हूज एंगल? बैंक्स एंगल. बराबर, देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन बिड एंड द आस्क रेट, विच इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड. हेलो, मोटा मोटी चौथा यूनिट में यही था. फिर वो एक्सचेंज रेट को यूं दो तीन डायग्राम बनाए थे. हाँ, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पे भी बात कर लेते हैं. उसके उसका क्वेश्चन आता है कई बार वो, और एक बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने कि वो मैंने आपको क्लास में बॉक्स बना के करवाया भी है नोट्स में. $1 इक्वल टू 50, आफ्टर नाउ समटाइम्स $1 इज इक्वल टू 55. सो वॉट इज द इम्पैक्ट ऑन द होम करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी? द डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिसिएटेड एंड डेप्रिसिएटेड. डेप्रिसिएटेड इन फ्रंट ऑफ द फॉरेन करेंसी, एंड द फॉरेन करेंसी हैज इन फ्रंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. बराबर, तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन बोथ कैन हैपन. ओके, तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वर्सेस अपवर्ड डिवेल्युएशन एंड डाउनवर्ड डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी आर सेम और नॉट सेम? सर, दे आर नॉट सेम. डिवेल्युएशन इज एन इंटेंशनल एक्सरसाइज डन बाय गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस द फॉर्मल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन फ्रंट ऑफ द फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स एंड मेक देयर इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव. ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? And this is deliberately done by China on a regular basis. They reduce their currency in front of the world so that they become better and cheaper in front of the world because they really want to export. Hello? So, depreciation is intentional action. Sorry, devaluation is intentional action by the government to reduce. But appreciation and depreciation is driven by the market forces. Hello? So devaluation can be upward as well as downward. So downward devaluation will do what? Increase the export or import? Increase the export and reduce the import. And sorry? Yes, if an upward revaluation is the upward valuation is done, then the exports will increase and imports will decrease. है? गलत बोल दिया. फिर से $1 इक्वल टू 50, आई से $1 इक्वल टू 60. सो बाहर वालों को मजा आएगा. तो एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स विल रिड्यूस व्हेन आई डू अ डाउनवर्ड डिवैल्यूएशन व्हिच इंडिया डिड इन 1991. बट इफ आई डू एन अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ माई करेंसी,
व्हाट विल हैपन, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट्स विल रिड्यूस. तभी तो बोलता था $1 = 1 rupee की दुआ मत करो, हमारे एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे. हेलो, तो ये कौन सा था अपना यूनिट 4, यूनिट 5 OFDI, FDI, FII, FPI, loans and foreign borrowings. यार ये कौन, मतलब किस चीज पे क्या करना है यार मिस्टर सनातनी, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं यार, प्लीज. हम अभी सनातन की बात नहीं करेंगे, हम अपने इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. जो इंडिया के सीए लगे हुए हैं, काय में लगे हुए हैं, हमको तो मुद्दा भी नहीं मालूम, हमारा अटेम्प्ट आ रहा है मेरे भाई, माफ कर दो हमको यार, हम नहीं जानते भाई. आईसीआई ने क्या मेल कर दिया, किसको कर दिया भाई, हमको नहीं मालूम. पांचवा यूनिट कौन सा था, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स. उसमें दो तीन छोटे छोटे टर्म्स है, वो भी फटाफट कवर कर लेते तो आप लोग को एक ये तसल्ली हो जाएगी, हमने एक 5 units कवर कर लिए. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट द हेल्प एंड द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो कैन बी इन टू लोन्स एंड ग्रांट्स. लोन्स आर समथिंग विच यू हैव टू रीपे, ग्रांट्स आर समथिंग विच आर गिवन इन द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स which do not expect a repayment. Most of the external assistance received by India is in the form of loans. Okay? So loans require an interest payment, which is a burden, and it increases the national debt of the country. No doubt about that. Okay? Secondly, there was something called capital inflows, foreign capital inflows. It can mean two ways, FDI, FPI. FDI happens when you increase investment by 10% or more in an Indian entity by an outside entity. FDI can be done in various ways, by forming a joint venture, setting up a subsidiary company, associate company, or a branch office. The purpose of FDI will lead to increase in GDP, contribute to employment, it will contribute to taxes, and it will add to the economic activity. Whereas FDI has a long-term logic applied to it. FPI, foreign portfolio investment, refers to investment in the shares of Indian companies by external people. This is for short-term purpose. The purpose doesn't contribute anything to the GDP, employment or taxes, but only trying to make a short-term gain in this. Hello? Barabar. Okay. ये और कुछ है क्या उसके अंदर, am I missing something? छोटा सा ही चैप्टर था, अपन ने भी जल्दी से खत्म किया था उसे. Any topic is missing, just let me know, I'll speak on that. Problems and challenges with FDI. अच्छा, इस पे ना एक चीज याद दिलाई मेरे को, हाँ अच्छा याद दिलाया, आपके स्टडी मटेरियल में 4-5 pages लेकर arguments in favor of FDI and arguments against FDI है. मैंने लिखवाया भी था कि वो आपको पढ़ना है, वो आपको पॉइंट जरूर पढ़ने थे. Arguments in favor of FDI and arguments against FDI. शायद उस पांचवे यूनिट के आखिरी में 5-10 point दिए हैं, एक बार आप चेक करो. मिस्टर ओम साई पिंजानी, इवनिंग, वेलकम टू द रिविजन. राइट नाउ वी आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एंड यूनिट नंबर 4. इट इज नोवेयर रिलेटेड टू द बॉन्ड रेट एंड मार्केट रेट.
इट इज रिलेटेड टू यूनिट थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट योर यूनिट. वी हैव नॉट येट स्टार्टेड डिस्कशन ऑन दैट. वी विल बी डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ इट. थोड़ा पानी पिला दो यार, पानी लेके आया हूँ. तो क्या ये पढ़ लिया तुमने? कौन से पॉइंट नंबर, पेज नंबर बोलो. आखिरी वाले यूनिट में एफडीआई, प्रॉब्लम एसोसिएट विद एफडीआई एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई. 4.124, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8, 1 to 9. ये चार पांच. कुछ नहीं, वही है कि एफडीआई आने से जॉब्स पे फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, वो सब तो है. अगेंस्ट में क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज खत्म हो जाएंगी, वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, वहां से लॉस होगा. ये सारे पॉइंट्स बोल. अभी वी हैव अराउंड, नहीं क्या, वी हैव अराउंड 40 odd minutes ऑन आर हैंड्स राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक वी कैन गो बियॉन्ड 8:15, बिकॉज फिर अनसेफ हो जाता है घर पहुंचा. सब ऊपर वाले ही हो क्या? हाँ ठीक है, कहाँ पे रहते हो? तेरे को क्या घबराहट है? लड़कियों का इतना स्ट्रांग होना जरूरी है कि वो लड़के छेड़े रास्ते में बैठे बैठे? राजा किधर जा रहे हो, हमें भी तो देख लो टाइप्स. ओके लिसन, तो अब अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा खाना पूरा बैच के दौरान मेरा रोज 15 मिनट खाएं तुम लोगों ने, तो रोज मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाने नहीं दिया. अभी भी ब्रेक चाहिए, शर्म करो. एक मिनट, मैं तुमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता हूँ. यूनिट वन करा देता हूँ नेशनल इनकम वाला, तो तुमको एक हमारे दो यूनिट हो गए. फिर एक पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, देखे कितना तक आ सकते हैं अपन. अभी आगे तो बढ़ते हैं. यूनिट वन नेशनल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अच्छा, विच गुड्स, इंटरमीडिएट, टोटल या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ कंट्री विद इन वन अकाउंटिंग ईयर. हेलो, growth versus development. Growth is always in quantitative terms, development is always in qualitative terms, correct? So increase in GDP does not mean increase in distribution of equal income also. It might so happen that rich may have become very richer and poor may would have become very poorer, but still the GDP would have grown up. Yes or no? Okay, when we discuss things in first unit of national income, they try to tell you does the national income accounting, CSO, Central Statistical Office. There is a concept of domestic territory of India. Domestic territory includes four things. Number one, the political boundaries, including the territorial waters, embassies and establishments located outside India, embassies and military establishments, territorial waters up to 12 nautical miles outside the domestic territory, ships and vessels operated by the domestic country in another countries. All these four will be included as a part of domestic territory. So when you try to bring the figure of GDP, you try to add up the sale done by all the people. So when you try to include the sale, it includes the direct tax, it includes the indirect taxes also. So what you vasulify, what you recover from your people, you recover land, labor, capital, enterprise. And when you recover that money, this is your gross output. बेसिकली उसमें आपने फिक्स कॉस्ट वसूला है, वेरिएबल कॉस्ट वसूला है, प्रॉफिट वसूला है और इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो व्हाट फिगर यू गेट इज मार्केट प्राइसेस. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट इज मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस.
एंड इफ देर आर नो इनडायरेक्ट टैक्सेस सो द सेल प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट. सो रूल वन इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट हो गया मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बराबर. सो दैट बिकम्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एम आई करेक्ट? ओके दैट वाज फर्स्ट. इसको स्टार्ट ओपन ही नहीं करा मैंने सॉरी. मैं खैर ओरली बता ही रहा हूँ क्या दिक्कत. ओरली जल्दी हो जाता है. आपके पास नोट्स है ना मेरे को सामने ओपन करो फर्स्ट यूनिट. ओके ए लिसन ये जीडीपी मैंने पढ़ाया आपको अभी. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज वैल्यू एडेड. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी ओनली इंक्लूडेड. इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. जीडीपी ओके जीडीपी का एक और नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड. ये ध्यान रखना वो वैल्यू एडेड मेथड में जीवीए देगा आपको. हाँ नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी ये एक चीज अपने को और समझ में आती है. नॉमिनल जीडीपी विल इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और विल नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी एट करंट प्राइसेस. इट इज नॉट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस. व्हेन यू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देन इट बिकम्स रियल जीडीपी. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू कंपेयर द प्रोग्रेस यू शुड कंपेयर द रियल जीडीपीस बराबर. ये फिर एक छोटा सा फॉर्मूला था जीडीपी डिफ्लेटर का. जीडीपी को डिफ्लेट करने का मतलब उसको बड़ा करना है या छोटा करना है. छोटा करना है. छोटा क्यों करना है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का रेट शामिल है. तो कॉमन सेंस क्या कहता है उसको घटाना है. तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है. जीडीपी को डिफ्लेट कैसे होगा? नॉमिनल अपॉन नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100. कि अभी नॉमिनल इतना है तो रियल इतना है तो 100 क्या होगा. अभी इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर पाओगे? इट विल रिमूव द इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंज. ये देखो रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करा. नॉमिनल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100 और फिर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. ये प्ले अराउंड करके वो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए उन्होंने. ध्यान देना उसमें बराबर. उसके बाद अपन चले थे. हाँ ये इंटरप्रिटेशन था इसका. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सो इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी बिकम्स फैक्टर कॉस्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अच्छा कुछ भी नहीं दिया हो सब्सिडी के बारे में तो क्या करना है? जीरो मानना है. नाउ इफ आई टेल यू अबाउट डोमेस्टिक टू नेशनल सो व्हाट विल वी इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्रिएट्स नेशनल. हेलो ओके. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए विल मेक यू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. हाँ या ना? ठीक है. उसके बाद if I want to take it further that whatever sales I am doing something which is my finished product maybe your asset at Tata Motors. मैंने आपको कार बेची वो कार आपका asset है. आपकी working में वो 5 साल चल रहा है. मेरी तो अभी की sale में आ गया. so therefore in order to avoid the double counting of the total GDP we reduce depreciation. depreciation का एक नाम और है consumption of fixed capital. कंफ्यूज करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. सो डेप्रिसिएशन माइनस सॉरी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर दो या ग्रॉस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कर दो बात एक ही है. लीड टू नेट. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विल क्रिएट नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी. हेलो ओके जीएनपी हो गया. नेट डोमेस्टिक प्राइस भी समझा था मैंने. एनएनपी एट एमपी एनएनपी एट जीडीपी एट एफसी
हाँ एक चीज, जीडीपी एट एफसी को उसने एक और तरीके से बताया आपको, वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बोले तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन मतलब वेजेस, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध दो प्रैक्टिकल है पीछे जिसमें वो उल्टा घुमा के पहुंचा रहे हैं आपको वहां पर। तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कई बार उसको वेजेस बोल देंगे वो, या कई बार उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलेंगे, बराबर। और उसके बाद मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और डेप्रिसिएशन। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ध्यान रखना, इट इज अगेन रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, बट ऑफ हु पीपल हु कैन नॉट मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, सो देयर कंबाइंड अर्निंग इज कॉल्ड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आया ना? नहीं आया? आ गया? ओके एनडीएफसी, इसमें एक नई चीज उन्होंने डाली थी, मेरे को वो दिखानी है आप। पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम। हाँ पर्सनल इनकम, ये पर कैपिटा इनकम मतलब वो नेशनल इनकम में से पर्सनल इनकम निकालने का उन्होंने एक सेपरेट बताया था। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए इन्होंने, इसमें बनाया था। हाँ पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, मतलब सीधा सीधा हाथ में क्या मिला है, हाथ में जो कमाया है वो भी मिला है, प्लस मैं लाडली बहना हूं तो मुझे एक्स्ट्रा भी मिला है। मैं वो तकलीफ में हूं, मैं बहना और भांजी क्यों नहीं हूं? सारे भांजों को आंदोलन करना चाहिए, हमको भी कुछ दो। बोलेंगे मामा जी तुम अटेम्प्ट दो, चलो। तो एक मिनट, तो पर्सनल इनकम इज ए इधर इधर एक मिनट, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम? नॉट एट ऑल। पर्सनल इनकम विल इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स? यस। पर्सनल इनकम में इंक्लूड पेंशन्स? यस। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड हैज टू बी रिड्यूस्ड, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड हैज टू बी एडेड। हेलो पक्का? तो ऑल पर्सनल इनकम एडेड इज इक्वल टू नेशनल इनकम? नो, पर्सनल इनकम इज नॉट इक्वल टू नेशनल इनकम, ये ध्यान रखना। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अच्छा उसमें एक और दिया पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, देखो नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब ये कौन सी कमाई है जो है मेरी पर मुझे मिली नहीं है, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स ने इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा किसी ने किसी को, अरे हमने ब्याज लिया हो तो ब्याज तो हमने कमाए पर हमारे हाथ में नहीं आए। माइनस कॉरपोरेट टैक्स, कंपनियों ने कमाया पर सरकार ले गई। प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट, तो ये मिलेगा। मतलब पर्सनल इनकम इज नोवेयर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये ध्यान रखना। ये एक सेपरेट, मतलब एमपीएफसी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बोला वो अलग हो गया, ये एक अलग चीज है। अच्छा पर्सनल इनकम आ गई तो अब इसमें से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालो, कॉमन सेंस चलाओ जरा। पर्सनल इनकम बोले तो जो मुझे मिला, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो मेरे ऊपर टैक्सेस लगे वो हटाओ। देखो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स, चालान कट गया, पेनल्टी लग गई, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब कटेगा। तो हाथ में जो खर्च करने के लिए, उड़ाने के लिए है, वो क्या कहलाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बोलो साहब, बराबर? ये नया था। इसके इलस्ट्रेशन आप जरूर देखना, बराबर।
भांजों को सिर्फ कंस मामा मिलते हैं, ये बात तो सही है यार, सारे मामा ऐसे नहीं होते वैसे। फिर ये क्वेश्चन अपन ने कर रहे थे, हाँ तीन मेथड्स, यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा अपना, वो तीन मेथड्स कर लेते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आइडियली थ्री शुड टैली बट दे डोंट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी विल डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट वॉज वैल्यू एडेड मेथड, द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एंड अंडर दैट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल इज एडेड एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज रिड्यूस, सो यू गेट द नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स। सो द नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स इज इक्वल टू व्हाट? इट इज नॉट नेशनल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आउटपुट माइनस इनपुट, सो नेट वैल्यू एडेड, सो इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो इट इज ग्रॉस एज वेल एज एट मार्केट प्राइस। सो व्हाट यू एड इज एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बट थ्री थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, नंबर वन, production for self consumption was not sold in the market but was used for yourself, so add production for self consumption. Second, own account production of fixed assets by the government and imputed rent of owner occupied houses also to be added, matlab a flyover, a dam, a power plant, a Mahakal Lok, anything which is created in the country like public goods which are simply given to the country without any sale consideration are a part of production but not sold, but that has to be added. And third, any sale of second hand goods shall not be included, but the commission earned on those sale of second hand goods shall be included. This will give you GDP at MP plus these three things. Again, reach out a figure which is not the national income, then you have to add NFIA to make it from domestic to national. You have to reduce depreciation to make it net, and then you have to reduce net indirect taxes also, make it NNP at factor cost, value added method. When you go to income method, what happens? GDP में देखो, good question, अब मैं ले लेता हूँ, class discussion है but ले लेता हूँ। You created a statue of unity around 3000 crores. So you paid to Larsen and Toubro for creating it. You paid to the metal company who supplied the metal. Paid to the architects and the designer. So all those people would have included in their sales. अब समझना, income method से दिखेगा उनकी sale में कि income में, भारत सरकार के expenditure method से भारत सरकार का expenditure दिखेगा, पर goods produced कहाँ है? इसीलिए उसको ऐड करना जरूरी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 3000 करोड़ का बनाया, ठीक है, भारत सरकार ने खर्चा करा तो भारत सरकार के एक्सपेंडिचर में दिख रहा है 3000 करोड़। 2 मिनट के लिए बहुत सिंपल भाषा में, सारा पेमेंट लार्सन एंड टूब्रो को ही गया 2 मिनट के लिए, एलएनटी को, तो एलएनटी की सेल है 3000, तो इनकम मेथड में दिख रहा है एलएनटी ने 3000 कमाए, एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट दिख रहा है गुड्स किधर है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय गवर्नमेंट, इसलिए ऐड करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, समझा? लेट्स गो टू, वाह वाह वाह, ये कितना अच्छा बच्चा है, देखो रिवीजन चल रहा 1.5 घंटे से, अब एक महानुभव क्या पूछ रहे मुझसे, थ्योरी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, यहां सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, बेटा आंसर है दोनों आ सकते हैं। आप गलत वीडियो देख रहे हो, 15 मिनट में सीए इंटर कैसे पास करें वाला वीडियो नहीं है ये, एबीसी क्लासिफिकेशन भी नहीं है ये उन लोगों का चैनल है जो पूरा पढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं। कौन सा मेथड कंप्लीट करा अपन ने? वैल्यू एडेड। लेट्स कम टू द सेकंड वन, इनकम मेथड। इनकम मेथड में गवर्नमेंट, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गिव्स यू रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गिव्स यू
कंबाइंड रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट इन यू बोथ कंबाइंड टुगेदर व्हाट यू गेट, रेंट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, वेज में भी नहीं होता, इंटरेस्ट में भी नहीं होता, और प्रॉफिट में से तो रिड्यूस होके आता है. सो इट इज नेट एंड इट इज अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस यू नीड टू एड एनीथिंग विच इज डन अब्रॉड. सो देन इट क्रिएट्स नेट नेशनल प्रोडक्ट. बट टू बी केप्ट इन माइंड टू थ्री थिंग्स. नंबर वन, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, लाडली बहना योजना, फ्री का खाना योजना एंड ऑल दोज योजनाज विल नॉट बी अ पार्ट. इट मे बी अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम बट नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. हेलो, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, करेक्ट. इसमें ना एक पॉइंट मेरे नोट्स में है, इफ द डेटा इज टेकन फ्रॉम द पीपल हु हैव पेड, सो देन एक चीज ऐड करनी है. हाँ, ओवरसीज अमाउंट्स हैव टू बी एडेड इनकम्स, बट इफ इट इज द डेटा हैज टेकन बीन टेकन फ्रॉम द पर्सन हु हैव रिसीव्ड द इनकम, सो देन द ओवरसीज अर्निंग्स नीड नॉट बी एडेड. तो एनएफआईए का वो पॉइंट है, ध्यान से देखना, मेरे नोट्स में है, वो समझाया भी था क्लास में मैंने, कि डेटा किस जगह से ले रहे हो उससे मैटर करेगा वो. तो इनकम मेथड, देन वी कम टू एक्सपेंडिचर मेथड. थ्री कैटेगरीज डू एक्सपेंडिचर. नंबर वन, गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस. एवरीबडी हैज गॉट टू कैटेगरीज, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एंड रेवेन्यू. If you add the consumption expenditure of all, you get consumption, net consumption expenditure. And when you add the investment, so consumption, investment both taken together gives you net domestic expenditure. And that domestic expenditure when added with depreciation takes you to gross domestic expenditure. Answer dekh lo udhar hai. Gross domestic expenditure, and if the overseas investments are taken, then it creates national expenditure. Hello. Expenditure में क्या क्या शामिल नहीं करना है, वहां पे इनकम में शामिल नहीं करा था पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करूंगा एनी ट्रांसफर पेमेंट्स, बराबर. फिर इसके बाद एक आया था, वॉट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेशनल इनकम. नंबर वन, presence of large non-monetized sector. Second, not proper bifurcation of various categories, large dealings of black money and unaccounted money. चौथा कौन सा था यार, चार थे मेरे को जहां तक ध्यान है, देखना जरा, छह हैं तो बाकी दो पढ़ो ना प्लीज. वो तो मैंने बोला difficulties in classification. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये रहा, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंड अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम. ये भी एक क्वेश्चन आया था कई बार, प्रॉब्लम से इंटरनेशनल इनकम, तीन नंबर का क्वेश्चन. आप छह पॉइंट लिखो तीन में से तीन. एक पूरा नेशनल इनकम कर लिया और एक अपन ने इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, आज के लिए काफी है, जाते हैं. एक मुलाकात और लगेगी अपने को, अगली मुलाकात में इसका एक सेकंड यूनिट, और उधर तीन ही यूनिट है अपने, उसमें मनी मार्केट में और उधर पब्लिक फाइनेंस में चार है, पांच है, चार है, पांच नहीं, पांच इसमें थे, तो पांच और एक छह कर लिया हमने, हमारे नहीं, हमने पांच और छह करे, अब हमारे आठ बचे, पर उस आठ में छोटे हैं वो तीन, वो चार और ये एक. तो अगली मुलाकात में करते हैं. अगली मुलाकात कब करनी है, जब मैं करूं, नेक्स्ट वीक में ही कर लो, जल्दी से कर लो, संडे नहीं है, संडे वो पढ़ना है अभी. अभी इसको पढ़ना पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए समरी वर्जन बनाना मेरे लिए ज्यादा चैलेंज होता है, मतलब स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ती कि इतना इतना छांट के देना है ना. चलो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर माय स्टूडेंट्स आल्सो हु आर हियर राइट नाउ.
So what do I do? End the stream here.